Hello everyone, I am Divya Vikas. Today we will learn about nucleic acid. Nucleic acid biomolecules के लिए बहुत important chapter है and biology में भी एक chapter है molecular basis of inheritance. उसका भी introduction part में ये part आता है. Nucleic acid में basically तीन part होते हैं. उससे पहले हम जानेंगे कि इसका discovery कौन किया, इसका introduction ये सब थोड़ा बहुत हम जानेंगे. तो nucleic acid का discovery कौन किया था? Friedrich Miescher. ये जो किए थे ये पहले किस में लिखे थे? फर्स्ट सेल में लिखे थे, वो भी न्यूक्लियस लिखे थे. ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस से कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस से पाया जाएगा. तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस में ही देखे होंगे फर्स्ट सेल का. दूसरी बात, टर्म कौन कॉइन किया न्यूक्लिक एसिड को? तो अल्टमैन जो थे वो टर्म कॉइन किए न्यूक्लियस को. और फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग से ही न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए ये सब पहले नहीं पता था. तो फिर वो फ्रेडरिक मिएशर एक कॉमन से नाम दिए न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियस से पाया था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियन. नाउ न्यूक्लिक एसिड दो पार्ट, दो तरह का होता है. एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए. कोई भी हो, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इसमें तीन कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे. क्या होंगे? पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड होगा फॉस्फेट आयन. फॉस्फेट आयन तीन होंगे, ठीक है? तीन कंपोनेंट हर एक न्यूक्लिक एसिड में होगा ही होगा. तो अब एक ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है कि डीएनए पहले आया या आरएनए पहले आया. तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि पहले आरएनए आया, क्योंकि आरएनए आने के बाद क्या हुआ कि उसमें मॉडिफिकेशन आया. आरएनए क्या था? अनस्टेबल था. उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्यों अनस्टेबल होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है अनस्टेबल होने का या स्टेबल होने का. तो आरएनए पहले आया, उसके बाद मॉडिफाई होकर के क्या बना? डीएनए बना. तो डीएनए के क्या क्या पार्ट्स है, आज हम उन लोग उनके बारे में पढ़ेंगे. तो डीएनए में क्या कहता है? पेंटोज सुगर. पेंटोज सुगर भी दो तरह का होता है. एक होता है डीऑक्सीराइबोस एंड सेकंड वन इज राइबोस सुगर. डीऑक्सी से ही पता चल जाना कि ये चाहिए कि ये किसका बात कर रहे हैं? डीएनए का. अच्छा, फुल फॉर्म तो सभी का आता ही होगा ना. डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो डीऑक्सी से क्लियर है कि डीऑक्सीराइबोस सुगर जो होगा किसमें होगा? डीएनए में. एंड राइबोस सुगर जो होगा किसमें होगा? आरएनए में. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डीऑक्सीराइबोस सुगर और राइबोस सुगर में डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है, क्या है? डेफिशिएंसी, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, जिसका रेस इसका नाम बढ़िया डीऑक्सी. तो सेकेंड राइबोज का जो स्ट्रक्चर बनता है पेंटोज सुगर होता है, मतलब कार्बन इसमें फाइव होगा. फाइव कार्बन जो होता है ना, इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है डीऑक्सीराइबोज सुगर, मतलब डीएनए में के सुगर में एक ऑक्सीजन कम होता है. कौन से प्लेस में होता है? सेकेंड प्लेस में एक ऑक्सीजन कम होता है, राइट? इसका फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, क्या बनेगा? C5H10O5 राइबोज का हुआ ये, और डीऑक्सी का एक ऑक्सीजन कम होगा. तो C5H10O4 राइट. ये हो गया हम लोग बात की सुगर का, पेंटोज सुगर का कहानी हाथ में खत्म हो जाते हैं. नाउ हम लोग एक और पढ़ते हैं अब नाइट्रोजनस बेस के बारे में. नाइट्रोजनस बेस भी दो टाइप का हो गया, यूरिन एंड पायरिमिडीन. नाइट्रोजनस बेस हो गया कितना टाइप का? दो टाइप का हो गया, यूरिन नाइट्रोजनस बेस एंड पायरिमिडीन. नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन कितने टाइप का होगा? दो टाइप का, एडिनिन एडिनिन एंड ग्वानिन. पिरामिडिन तीन टाइप का होगा, राइट? पिरामिडिन में क्या होगा? कट, पिरामिड को कट करते हैं. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है? कट, CUT. सी से साइटोसिन, यू से यूरेसिन, टी से थायमिडिन. अच्छा, एक बात और क्लियर कर दी,
यूरेसिल हमेशा हमेशा आरएनए वर्ल्ड में ही आएगा, आरएनए मतलब ये सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सब में सिर्फ यूज होगा, और थायमिडीन सिर्फ डीएनए में आएगा। तो यहाँ पर साइड में कर लीजिए डीएनए, और ये किसमें होगा आरएनए। आरएनए का कॉमन नेम क्या होता है, 5-methyl uracil, राइट। मतलब यूरासिल में अगर फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, थायमिडीन। ये भी होता है डीएनए के पास, जिस कारण से डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। एक पॉइंट यहाँ पे ये है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस का बात। अब हम लोग ये फॉस्फेट आयन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉस्फेट आयन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, PO4-3-, राइट। फॉस्फेट आयन इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, P(OO)(1), ये होता फॉस्फेट आयन। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजिशन में H एब्सेंट होता है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, H होगा एक, एक H यहाँ पे भी होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, H2PO4 single minus। अब हम लोग लिंकेज का बात कर लेते हैं, कैसे कैसे लिंकेज होता है इसमें। लिंकेज के बाद क्या, सबसे पहले लिंकेज क्या होगा, ये है मेरा पेंटोस, तो इसका स्ट्रक्चर बना ले कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा पेंटोस का, पेंटोस सुगर का। अब यहाँ पे क्या होता है, फिफ्थ पोजीशन पे, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन का जो पोजीशन होता है, यहाँ से अटैच होता है फॉस्फेट। ये फिफ्थ कार्बन पे अटैच हुआ फॉस्फेट, एंड फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस, राइट। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, ये कौन से लिंकेज होता है, एन एन ग्लाइकोसाइडिक लिंक। और यहां क्या होता है, एक फॉस्फेट अटैच्ड है, जिसका नाम क्या पड़ जाएगा, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फो लिंकेज, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये दूसरे से भी अटैच होता है, तो दूसरे जब एक और दूसरा, अच्छा एक और बात आप लोगों को जानना है, ये तो लिंकेज हो गया। जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस सुगर अटैच होता है, इसका नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड्स, राइट। एंड जब नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस सुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप तीनों ही अटैच होते, क्या नाम हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। राइट। और क्या होता है बाद में, जब न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से लिंक हो जाते, तब उसका नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड ग्रुप में, न्यूक्लिक एसिड, राइट। और न्यूक्लिक एसिड कितना टाइप हो गया, डीएनए और एक आरएनए, राइट। हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ जब ये पूरा एक क्या हो गया,
जब इसी फिश का यहाँ से यहाँ तक बात करें, ये क्या बन जाएगा,